मैं दो शब्द दिल्ली की ड्रग व्यवस्था के ऊपर, ड्रग्स का जो माहौल दिल्ली के अंदर हो रहा है, जिस पे अभी चर्चा चल रही है। मैं दिल्ली में जगह जगह कोने कोने में जा रहा हूं। इस टाइम कानून व्यवस्था इतनी ज्यादा चरमरा गई है, खासतौर से जब से अमित शाह जी देश के गृह मंत्री बने हैं और उन्होंने दिल्ली की कानून व्यवस्था को संभाला है, तब से दिल्ली के अंदर पूरी दिल्ली की कानून व्यवस्था लगभग खत्म हो चुकी है। मैं काफी समय चुप रहा क्योंकि मैं इस पे राजनीति नहीं करना चाहता था, लेकिन जब धीरे धीरे स्थिति कंट्रोल होने की बजाय बद से बदतर होती गई तो मेरे से चुप नहीं रहा गया, क्योंकि दिल्ली मेरे ही लोग हैं। पिछले कई दिनों से जब से मैं दिल्ली के कोने कोने में जा रहा हूं, जहां भी कोई कत्ल होता है, जहां भी कोई वारदात होती है, मैं जाता हूं, लोगों से मिलता हूं। जहां जाता हूं लोग कहते हैं जी नशे की बात, कोने कोने में नशा बिक रहा है। मैं परसों माननीय मुख्यमंत्री जी कालका जी की, इनकी विधानसभा कालका जी है, कालका जी के क्षेत्र में गया, वहां पे पदयात्रा होनी थी। मैं पदयात्रा कर रहा था, लोग मेरे कान में आके बोल रहे थे, लोगों को डर लगता है बात करते हुए भी, लोग मेरे कान, सर नशे की बात भी उठाओ, सर सर हर दुकान के अंदर नशा बिक रहा है, सर हर दुकान में नशा बिक रहा है, किराने की दुकान में नशा बिक रहा है, पान वाले की दुकान में नशा बिक रहा है, पनवारी की दुकान में नशा बिक रहा है। कोने कोने में दिल्ली को इन्होंने नशे का व्यापार बना दिया। पूरी दिल्ली के अंदर चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, किसी का भी बच्चा, किसी का भी फैमिली मेंबर नशे से परे नहीं है। इस टाइम स्कूलों में नशा बिक रहा, हर कोने कोने के अंदर नशा बिक रहा। मुद्दा ये, और पिछले 5 साल में ये नशा बहुत ज्यादा बढ़ गया है। एक मैं रिपोर्ट पढ़ रहा था, ये archives.today करके कोई वेबसाइट है, इसमें लिखा हुआ है कि कठपुतली कॉलोनी, अ डीडीए ऑफिशियल सेज दैट एवर सिंस ही जॉइंड वर्क इन द एरिया इन 2021, एज मेनी एज 300 पीपल हैव डाइड ड्यू टू ड्रग्स। एक कठपुतली कॉलोनी, अकेली कठपुतली कॉलोनी के अंदर नशे की वजह से डीडीए का अफसर कह रहा है कि 300 बच्चों की मौत हो चुकी है एक कॉलोनी के अंदर। ये कोई छोटी बात नहीं है। मैं इनसे भी कहना चाहता हूं कि राजनीति अलग है, लेकिन हमारे बच्चे मर रहे हैं। हम सब लोगों को मिलकर साथ काम करना चाहिए, बच्चों को बचाने के लिए काम करना चाहिए, इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। ये नशा आ कहां से रहा है? दिल्ली में तो नशा पैदा होता नहीं है, हमारे दिल्ली के अंदर तो नशा मैन्युफैक्चर भी नहीं होता, ये नशा आ कहां से रहा है? मैं इस सम्मानित सदन के समक्ष कुछ डेटा रखना, कुछ इंसिडेंट्स रखना चाहता हूं, कहां से आ रहा है मुझे भी नहीं, लेकिन कुछ इंसिडेंट्स हैं। 1 अक्टूबर को दिल्ली के महिपालपुर में 562 किलो कोकेन और 40 किलो मैरिजुआना पकड़ा गया, ये गुजरात से आया था। 10 अक्टूबर को 208 किलो कोकेन रमेश नगर वेस्ट दिल्ली से पकड़ी गई, ये गुजरात से आई थी। जब इन दोनों का पता चला, यहां गुजरात से अंकलेश्वर से आए थे, तो 13 अक्टूबर को अंकलेश्वर में वहां पे जब रेड हुई तो वहां 518 किलो और कोकेन मिली। ये सारी मिला के 1289 किलो कोकेन और 40 किलो मैरिजुआना था, जिसकी कीमत 13,000 करोड़ रुपए थी, सारी गुजरात से आई थी। भाई साहब आपके भी बच्चे हैं, आपके भी बीवी, आपके भी पड़ोसी, आपके भी रिश्तेदार हैं, बोल लेने दो मेरे को। 15 नवंबर को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने गुजरात पुलिस और इंडियन नेवी के साथ जॉइंट ऑपरेशन में 700 किलो गुजरात के तट के ऊपर 700 किलो नशा पकड़ा, और 82 किलो उसी दिन जॉइंट ऑपरेशन में दिल्ली से 82 किलो कोकेन पकड़ी गई, जिसकी कीमत 4,500 करोड़ थी, वो भी गुजरात से पकड़ा गया। अप्रैल 2024 में पंजाब पुलिस ने 48 किलो हीरोइन पकड़ी, जो कि गुजरात के समुद्री तट से आई थी। मई 2022 में गुजरात एटीएस ने दिल्ली और उत्तर प्रदेश पुलिस से के साथ मिलके उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर के एक घर से 775 करोड़ रुपए की 155 किलो हीरोइन पकड़ी, जो गुजरात से आई थी। इलेक्शन कमीशन ने 20 मई को अपनी प्रेस रिलीज में बताया है कि कैसे गुजरात जो है वो देश में नशे का गढ़ बन गया है। उनकी प्रेस रिलीज में लिखा है कि लोकसभा चुनाव के दौरान 30,959 करोड़ रुपए की ड्रग्स पकड़ी गई, जिसमें से 1189 यानी कि 30% नशा
केवल गुजरात से पकड़ा गया। ये इलेक्शन कमीशन का डेटा है। गुजरात के अंदर फैक्ट्रियां चल रही हैं नशा बनाने की, नशा मैन्युफैक्चर करने की और नशा प्रोसेस करने की। गुजरात में फैक्ट्री चल रही है, अवकार ड्रग्स लिमिटेड अंकलेश्वर में चल रही है, अवसर एंटरप्राइजेस अंकलेश्वर में चल रही है, सेखा गांव भरूच डिस्ट्रिक्ट में एक केमिकल फैक्ट्री चल रही है जहां पे मैन्युफैक्चरिंग होती है, सावली तालुका वडोदरा के अंदर एक अंडर कंस्ट्रक्शन फैसिलिटी है जहां पे नशे का मैन्युफैक्चर होता है। खुलेआम फैक्ट्रियां चल रही हैं गुजरात के अंदर जहां पे, और ये नशा आता कहां से है, रॉ मटेरियल कहां से आता है, रॉ मटेरियल आता है समुद्र के रास्ते, गुजरात का जो पोर्ट्स है मुंद्रा पोर्ट खासकर। सितंबर 2021 में 3000 किलो हीरोइन पकड़ी गई मुंद्रा पोर्ट से 21000 करोड़ रुपए की, जो भारत के इतिहास में सबसे बड़ी रिकवरी थी। 21000 करोड़ रुपए की 3000 टन। और उन्हीं दिनों अखबारों में छपा कि तीन महीने पहले जून के महीने में 2021 में 24000 किलो हीरोइन 70000 करोड़ रुपए की बिना पकड़े निकल गई थी देश के अंदर उसी तट से। ये अखबारों के अंदर छपा था। मई 2022 में 52 किलो कोकेन 500 करोड़ की पकड़ी गई मुंद्रा पोर्ट से। जुलाई 2022 में 375 करोड़ की 75 किलो हीरोइन पकड़ी गई मुंद्रा पोर्ट से जो कि पंजाब ले जाई गई। जुलाई 2024 में 110 करोड़ की ट्रेमेडोल पकड़ी गई मुंद्रा पोर्ट से। ये तो पकड़ी गई, जो मुंद्रा पोर्ट से चली गई उसका पता नहीं। तो मोटे मोटे तौर पे निष्कर्ष क्या निकलता है, निष्कर्ष ये निकलता है अध्यक्ष महोदय और एक अखबार की खबर के मुताबिक पिछले कुछ वर्षों में 2.5 लाख करोड़ रुपए की ड्रग्स जो है वो गुजरात के अंदर पकड़ी गई है, 2.5 लाख करोड़ रुपए की। इससे निष्कर्ष क्या निकलता है कि समुद्र तट के, समुद्र के रास्ते मुंद्रा पोर्ट से ड्रग्स देश में एंटर कर रही हैं, रॉ मटेरियल एंटर करता है। गुजरात के अंदर ढेर सारी फैक्ट्रियां लगी हुई हैं और उन फैक्ट्रियों के अंदर उसकी मैन्युफैक्चरिंग होती है, प्रोसेसिंग होती है और वहां से पूरे देश के अंदर बांटी जाती है, पंजाब, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, कहीं भी आज नशा पकड़ा जा रहा है। पता चला कहां से आया, गुजरात से आया। ये सब, ये वायर मैगजीन की एक रिपोर्ट है जिसने मुंद्रा पोर्ट कौन कंट्रोल करता है, इनके दोस्त अडानी कंट्रोल करते हैं उनके। अच्छा महावर जी, अच्छी बात नहीं है ये महावर जी, अब ये ठीक नहीं है प्लीज। ये वायर मैगजीन की रिपोर्ट है जो कहती है कि जब अडानी ग्रुप से ये प्रश्न पूछे गए उनके पास इसका कोई जवाब नहीं था। ये प्रश्न खड़े करता है, मैं किसी पे दोषारोपण नहीं करता लेकिन हम देश के नागरिक हैं, आजाद नागरिक हैं, हमारे को, हमारे बच्चों का भविष्य का सवाल है, पूरे देश के, एक पूरी पीढ़ी खराब हो जाएगी, पूरे देश को नशे के अंदर झोंका जा रहा है और ये बहुत बड़ा षड्यंत्र चल रहा है। तो प्रश्न तो उठता है, इस देश के अंदर नशा कंट्रोल करने की जिम्मेदारी एक व्यक्ति के ऊपर है, गृह मंत्री अमित शाह। अमित शाह की जिम्मेदारी है कि पूरे देश के अंदर नशा कंट्रोल करे। उनकी आंखों के नीचे, उनकी निगरानी के नीचे पूरे देश में नशा बट रहा है और गुजरात से नशा आ रहा, नंबर एक। नंबर दो, गुजरात उनका होम स्टेट है, उनका होम स्टेट आज गुजरात गढ़ बन गया है नशे का। और मैं गुजरातियों के लिए भी, मेरे मन में सहानुभूति है क्योंकि गुजरात से जो नशा निकल रहा है वो गुजरात के अंदर भी पूरी तरह, गुजरात के बच्चे, गुजरात के युवा भी नशे के अंदर धकेले जा रहे हैं। तीसरी चीज, जिस पोर्ट से नशा आ रहा है हम सब जानते हैं वो अमित शाह जी के दोस्त हैं, अमित शाह जी का होम स्टेट, अमित शाह जी की निगरानी और अमित शाह जी का दोस्त जिस पोर्ट के जरिए आ रहा है, इतने बड़े स्तर के ऊपर नशा क्या बिना सरकारी संरक्षण या बिना सरकारी लापरवाही के हो सकता है? नहीं हो सकता। तो लोग ये प्रश्न कर रहे हैं कि क्या इसमें सरकारी मिलीभगत भी हो रही है पूरे देश के अंदर जो नशा बिक रहा है, और अगर सरकारी मिलीभगत है तो वो केवल नीचे के लेवल की है या टॉप तक मिलीभगत है? हमारी पूरी पीढ़ी का सवाल है
दिल्ली के, ये सारी रिसर्च मैंने क्यों की है, सारी रिसर्च क्यों, क्योंकि पिछले दिनों में जहां जा रहा हूं, कल शालीमार बाग की झुग्गियों के अंदर गया, इनसे पूछिए, जिससे मैं बात करूं वही कहे सर यहाँ नशा बहुत बिक रहा है, सर यहाँ नशा बहुत बिक रहा है। मैं परसों कालका जी गया, सर यहाँ नशा बहुत बिक रहा है, सर यहाँ नशा बहुत बिक रहा है। मैं जहां जा रहा हूं वहीं लोग नशे की बात कर रहे हैं। दिल्ली के अंदर पूरी दिल्ली के लोग, पूरे देश के लोग नशे से पीड़ित हैं। हमारे पूरे देश के युवाओं की भविष्य का सवाल है अध्यक्ष महोदय, इसलिए मैं चाहता हूं कि अमित शाह जी इस देश की खातिर नशे के ऊपर एक्शन लेना, ठोस कदम उठाना चालू करें, नहीं तो जनता के मुंह बंद नहीं कर पाएंगे वो, जब जनता कहेगी कि सरकारी संरक्षण नशा करने वालों को मिल रहा है।